तो नाजरीन मजहबी पहलू आपके सामने आ गया। इस मामले पर साइंटिफिक मौकफ क्या है जानने के लिए हमने रब्ता किया है सीनियर साइंसदान प्रोफेसर डॉक्टर परवेज हूद भाई साहब से। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, फरमाइएगा इस मामले पर साइंस क्या कहती है। कहती है कि ये पूरा निजाम शमसी फिजिक्स की उसूलों के तहत है और हम पेशन गोई कर सकते हैं कि कौन सा सैयारा कौन सा चांद कहाँ होगा आज से 10,000 साल बाद की। लिहाजा मुझे तो ताज्जुब है कि 21वीं सदी में हम इस मसले के ऊपर बहस कर रहे हैं। आखिर मैं देखता हूँ कि इनका जो तरीकाकार है, मेरा मतलब ये कि जो उलमाए कराम है, वो तो 1,000 साल क्या 1,400 साल पुराना है। इन्हें जदीदियत से तो एक पैर है और इसके नजदीक तो उनको आना ही नहीं चाहिए। मैं तो ये समझने से कासिर रह गया कि ये दूरबीन क्यों इस्तेमाल करते हैं, ये जहाजों में बैठकर क्यों चांद को देखने की कोशिश करते हैं, कहाँ ये लिखा है शरीयत में। कुछ लोग बजिद हैं कि मजहब और साइंस को जोड़ा जाए, मगर मैं समझता हूँ कि ये बेसूध कोशिश है। ये दो बिल्कुल अलहदा चीजें हैं और इनको मिलाने से तो बड़े मजे का खेल नतायज सामने आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि मजहब को एक तरफ जाने दीजिए और जो साइंस है उसको दूसरी तरफ जाने दीजिए। कोई किसी को बुरा नहीं कहेगा इस सूरत में, लेकिन ये क्या बात हुई कि हम साइंसी तरीके से चांद देखेंगे ना। चांद की पोजीशन को हम 10,000 साल बाद भी दावे से कह सकते हैं कि वो ठीक ठीक इस जगह पर होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका।